नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म जीने की राह उस समय की सुपर डुपर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म ने जितेंद्र और तनुजा की किस्मत चमका दी थी। ये वो फिल्म थी जिसने कमाई के मामले में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को भी टक्कर दे दी थी। इसी फिल्म से जुड़ा एक खास किस्सा आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जीने की राह फिल्म में जितेंद्र, तनुजा और संजीव कुमार ने मुख्य भूमिकाओं में दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म को LV प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक बेरोजगार युवक के इर्द गिर्द लिखी गई थी जो शादीशुदा होते हुए भी एक अमीर लड़की से प्यार कर बैठता है और बाद में आत्मग्लानी में डूब जाता है। ये वो फिल्म थी जिसने कमाई के मामले में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को भी टक्कर दे दी थी। जितेंद्र की यह फिल्म उस दौर में आई थी जब हर तरफ राजेश खन्ना का बोलबाला था। राजेश खन्ना उन दिनों बुलंदियों पर थे, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। ऐसे में जितेंद्र के लिए यह एक कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि उन्होंने उस दौर के चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। जीने की राह फिल्म की कमाई की बात करें तो साल 1969 की यह चौथी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय इस फिल्म में 1,60,00,000 की कमाई की थी। फिल्म आराधना, दो रास्ते और एक फूल दो माली उस साल की सुपरहिट फिल्में रही हैं। इसके साथ ही जीने की राह ने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। फिल्म के गानों के लिए लता मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी खूब तारीफें हुई थी। अब फिल्म के गानों की बात करें तो इस फिल्म के गाने आज भी हर उम्र के लोगों को काफ़ी पसंद हैं। आने से उसके आए बहार, या एक बंजारा गाए, या फिर चंदा को ढूंढने सभी, और सबसे बेस्ट आ मेरे हमजोली आ, यह गाने आज भी दिलों के तार छेड़ दिया करते हैं। अगर 60 के दशक की इस सुपरहिट फिल्म को आप लोग देखना चाहते हैं तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म में सितारों की एक्टिंग और कसमकस में उलझे जितेंद्र को देखने के बाद शायद आप अपनी लाइफ में झूठ का सहारा लेना छोड़ ही देंगे। परिवार और करियर में उलझे लोग भी इस फिल्म से प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।